सबसे पहले स्टूडेंट बात आती है आंतरिक और बाह्य संक्रिया, आंतरिक एवं बाह्य संक्रिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन। क्या होता है स्टूडेंट, मान लेते हैं वी एक समुच्चय है, तब द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया को स्टार है वो अपने पास स्टार इस प्रकार परिभाषित होगी, वी से वी के एलिमेंट रखे जाएं तो वापस वी का एलिमेंट ही प्राप्त हो, यानी कि दो वी के एलिमेंटों में संक्रिया कराएंगे तो एक वी का होगा। तो यहाँ पे स्टार वी में आंतरिक संक्रिया कहलाती है। फिर स्टूडेंट्स तथा अब यदि कोई अन्य अवयव लिया जाए, जैसे V और F, दो एरिक समुच्चय हैं, तब द्विआधारी बाइनरी द्विआधारी संक्रिया, और स्टूडेंट मैंने O ले ली कंपोजिट संक्रिया, O V क्रॉस F, यानी कि या F क्रॉस V से एलिमेंट आपके V का प्राप्त होता है स्टूडेंट, तो अपने पास ये क्या हो जाएगी, O V में बाह्य संक्रिया, कौन सी संक्रिया स्टूडेंट, बाह्य संक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से हम बाह्य और आंतरिक संक्रिया को डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, कि बाह्य संक्रिया क्या होती है और आंतरिक संक्रिया क्या होती है। अब बात आती है अपनी यूनिट से, जो यूनिट का नाम है सदिश समष्टि, तो उसमें देखो किस प्रकार से होगा, स्टूडेंट डेफिनेशन अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी जाती है, सदिश समष्टि या कहते हैं वेक्टर स्पेस, तो क्या होता है सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस। तो स्टूडेंट देखो, माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा वी एक एरिक समुच्चय है, तब वी क्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टि कहलाता है यदि V में परिभाषित दो संख्याएं, कौन सी स्टूडेंट V में परिभाषित संख्याएं, पहली जो योग संख्या है V क्रॉस V इक्वल टू टैंक टू V, जिसको हम सदिश योग के नाम से जानते हैं, किस नाम से, सदिश योग, तथा अगली संख्या डॉट जो अपने V क्रॉस F से होगी और आंसर V में आएगा, तो ये होगा अदिश गुणन, कौन सा गुणन स्टूडेंट, अदिश गुणन। निम्न प्रतिबंध संतुष्ट करे, तो स्टूडेंट यहाँ इसके कुछ प्रतिबंध, जैसे बल्ले के प्रतिबंध होते थे, गुंजावली में भी प्रतिबंध होते थे, वैसे ये भी कुछ
एक्सियोम्स या कंडीशन शर्त प्रतिबंध को संतुष्ट करेंगी, ये दोनों संख्या एक प्लस और गुणन संख्या, इस प्रकार से परिभाषित है वो हमने इस पर डिफाइन किया है। सबसे पहले वी वन पहली कंडीशन, जैसे आर वन आर टू आर थ्री आर फोर तक लेते थे अपन, वैसे यहाँ वी वन होगा और वी प्लस संख्या के लिए एक है आबेली समूह या आबेली ग्रुप है। तो सबसे पहले इसको एक क्रम विनिमेय ग्रुप कह दो, आबेली ग्रुप कह दो, ये सिद्ध करना होगा। दूसरी बात आती है अपने V2, तो यहां पर क्या होगा, अदिश गुणन के लिए बंटनता, स्टूडेंट क्या कहेंगे, अदिश गुणन के लिए बंटनता किस प्रकार से होगी। स्टूडेंट देखो यहां पे जो दूसरा अदिश गुणन के लिए बंटनता होगी वो किनी अल्फा और बीटा दो अवयव रहेंगे V के, ये अवयव रहेगा एक F का स्केलर पॉइंट। तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए, अल्फा डॉट सॉरी A डॉट अल्फा प्लस बीटा, तो अपने पास आएगा स्टूडेंट्स A अल्फा प्लस A बीटा, ये आपके पास बराबर होना चाहिए। तो ये गुणन बंटनता आ जाएगी, थ्री वाला आ जाएगा अदिश योग पर बंटनता, अदिश योग पर बंटनता, तो अदिश योग पर बंटनता, तो ये क्या होगा, यानी अल्फा बिलोंग्स टू बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ए प्लस बी डॉट अल्फा, तो ये हो जाएगा ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा। फिर बात आती है बी फोर अदिश गुणन सात्वियता, क्या होगा स्टूडेंट अदिश गुणन सात्वियता, तो अदिश गुणन सात्वियता के लिए अपने क्या चाहिए, देखो ए बी दो एलिमेंट एफ के एक एलिमेंट बी का, तो यह किस प्रकार हो जाएगा ए बी मल्टीपल अल्फा, तो ए बाहर होगा टोटल इस प्रकार से। फिर बात आती है वी फाइव, वी फाइव के अंदर क्या होगा स्टूडेंट वन डॉट अल्फा अल्फा और प्रत्येक वी के एलिमेंट के लिए होना चाहिए, जहां वन क्षेत्र एफ का इकाई अवयव तत्समय का अवयव है, एलिमेंट अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये पांच नियम जो पांच शर्तें हैं या पांच प्रतिबंध कह दो एक्सियोम्स कह दो, ये वी वन वी टू वी थ्री वी फोर यदि संतुष्ट होते हैं तो वो आपकी एक सदिश समष्टि होगी। फिर बात आती है रिमार्क में नोट करने के लिए स्टूडेंट, इसे वी एफ पर सदिश समष्टि वी एफ पर से व्यक्त करते हैं, वी एफ पर व्यक्त करते हैं स्टूडेंट, इसको क्या बोलेंगे वी एफ पर सदिश समष्टि है।